फ्रेंड आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड ये हमारे पास प्लेजर गाड़ी है और आपके पास भी प्लेजर या डिओ मोपेड किस तरह की भी गाड़ी होगी आपके पास तो गाड़ी से आवाज़ आता है टैपेट का, तो इसे एक बार ओपन करके देख ले फ्रेंड। तो गाड़ी में देखो अगर टैपेट सेट नहीं होता प्रॉपर तरीके से तो इसे ओपन कर ले, ठीक है। तो इसे ओपन करने के बाद हमें ये प्रॉब्लम पता चला। देखो हमने भी कोशिश किए टैपेट टाइट करने की, टाइट और लूज़ रहता था। देखो ये यहाँ से कट गया है, यहाँ पे जो कैमशाफ्ट है कट गया है। और इसका ऑयल जो है मेंटेन करे फ्रेंड, अगर ऑयल मेंटेन नहीं करती है गाड़ी का तो गाड़ी में इस तरह से समस्या आती है फ्रेंड, ठीक। जो कैमशाफ्ट और उसके रॉकर जो है इस तरह से कट जाते हैं फ्रेंड। देखो यहाँ से कट चुका है रॉकर, वो देखो उसका। अभी ऑयल पम्प आपको चेक करना होगा, तो गाड़ी स्टार्ट करके ये होल में से ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक कर लेना है फ्रेंड। अगर नहीं आता है प्रॉपर तरीके से ऑयल तो हमें ये जो ऑयल पंप है जो कि मैग्नेट के अंदर होता है उस साइड में, वो हमें चेंज कर लेना पड़ता है। इस वजह से भी गाड़ी में ऊपर ऑयल नहीं चलता और ये जो कैमशाफ्ट है हमारा ख़राब हो जाता है फ्रेंड, ओके। और इसको अच्छी तरह से क्लीन करके मार्केट से नया ला के कैमशाफ्ट इंस्टॉल करें फ्रेंड। जो इसका पूरा कैमशाफ्ट और रॉकर आर्म का सेट है पूरा नया ला ले मार्केट से, उसके लॉक जो है वो लॉक भी मार्केट से नया ला लेना फ्रेंड हमें, जिसकी MRP 900 रुपये समथिंग 960 रुपये जिसकी MRP होती है कैमशाफ्ट की, कैमशाफ्ट की। और 250 रुपये का जो ये रॉकर आर्म्स होते हैं जो मार्केट से ला के इसमें इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी हम इसमें नहीं क्या, हम इसमें जो कैमशाफ्ट है नया वाला हम इंस्टॉल करेंगे। इसको थोड़ा सा हमने वॉश कर लिया, बहुत काला हो चुका था ये, आई थिंक उसमें ऑयल कम होने की वजह से इस तरह से ये काला हो गया था पूरा। तो इसको हमने क्लीन कर लिए है, हमसे जितना जमा उतना हमने डीजल ला के डीजल से हमने क्लीन कर दिया। और इसे हम अभी नया जो कैमशाफ्ट है हम इंस्टॉल करने वाले हैं। वो जो कैम का लोब होता है जो ये लोब वाला पोर्शन में, देखो यहाँ से जो आपको गुरु दिख रहा होगा यहाँ से हमें इस तरह से इंटर कर लेना है, इसको घुमा के इस तरह से इंटर कर लेना है। तो ये जो फ्रेंड आराम से इस तरह से ये फिट हो जाता है। तो इसके ऊपर हमें जो ये पट्टी लगा लेना है, ओके। जो लॉक पट्टी हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये लगा लेंगे, ओके, ताकि यहाँ पर लॉक करती है। कैमशाफ्ट यहाँ पे फिट हो गया है, ये जो पट्टी है हम यहाँ पे इस तरह से फिट कर देंगे। देखो ये इस तरह से यहाँ पे लॉक होता है ये पट्टी, देखो यहाँ पे इस तरह से ये पीछे नहीं आने देती है, ओके। यहाँ पे ये कैमशाफ्ट लगाने के बाद फ्रेंड ये जो लॉक होता है ये लॉक यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस तरह से एक प्लायर लगता है इसे फिट करने के लिए, इस तरह से प्लायर की मदद से इसे फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें लॉक यहाँ पे इस तरह से फिट कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद में ये जो लॉक पट्टी है ये पट्टी हमें इस तरह से यहाँ पे माउंट कर लेना है। और जो रॉकर है रॉकर भी यहाँ पे इस तरह से फिट कर लेना है, ओके। यहाँ पे रॉकर इस तरह से यहाँ पे फिट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से मूवमेंट हो। और ये जो साइड वाला है इसमें ऑयल में थोड़ा सा डिप कर लेना है ताकि यहाँ पे अच्छे से लुब्रिकेंट मिले। और यहाँ पे इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है, अरे एडजस्ट नहीं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, होल मैच कर ले,